नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा शहर में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिए गए थे कि क्षेत्र में देह व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जावे। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिमी महेश चंद्र जैन, पुलिस अधीक्षक पश्चिमी डॉक्टर प्रशांत चौबे और नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा पुनीत गहलोत ने कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी द्वारिकापुरी धर्मवीर सिंह नागर को निर्देशित किया गया था। आपको बता दें कि प्रजापत नगर में देह व्यापार चल रहा था, जिसमें मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह नागर, हमराज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, सब इंस्पेक्टर सरिता सिंह, सहायक उप निरीक्षक बबीता भूरिया, महिला आरक्षक अर्पिता भदौरिया, आरक्षक शशांक दुबे, आरक्षक तन्मय तोमर, महिला सैनिक ममता, महिला सैनिक नीलिमा शर्मा को साथ लेकर प्रजापत नगर में बताए हुए स्थान पर पहुंचे, जहां पर दबिश दी गई है, जिसमें 6 महिला और 1 पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गणों के विरुद्ध थाना द्वारिकापुरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक धर्मवीर सिंह नागर, हमराज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, सब इंस्पेक्टर सरिता सिंह, सहायक उप निरीक्षक बबीता भूरिया, महिला आरक्षक अर्पिता भदौरिया, आरक्षक शशांक दुबे, आरक्षक तन्मय तोमर, महिला सैनिक ममता नीलिमा की सराहनीय कार्य भूमिका रही है। इंदौर से सह संपादक जाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।